मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार रात को एक फोन कॉल आया जिसमें धमकी दी गई कि चार जगहों पर बम रखे गए हैं। मुंबई के तीन प्रमुख रेलवे स्टेशन और एक्टर अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखे जाने की खबर मिलने के बाद इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि जांच में ये फोन कॉल फर्जी पाया गया, लेकिन मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आए इस फोन कॉल से हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने शहर के चार जगहों पर बम विस्फोट की अफवाह के मामले में शनिवार को दो लोगों को हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि अभी तक जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। मुंबई पुलिस को आए फोन कॉल में एक शख्स ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भाईखला, दादर रेलवे स्टेशन और एक्टर अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले में बम रखे गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आने के बाद रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल के साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और मुंबई पुलिस कर्मी इन स्थानों पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। अभी तक इन जगहों पर से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है, लेकिन यहां बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि बताया ये भी गया है कि ये फोन कॉल फर्जी था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।